क्लास है चैप्टर सेकंड क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट पेंटागन, रम्बस, काइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज को पढ़ा है, सम चतुर्भुज के बारे में देखा और पतंग के बारे में देखा। अगले जो दो टॉपिक है हमारे, वो है हमारे एक तो आयत जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल यानी आयत। इसके अलावा हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर यानी वर्ग। फर्स्ट हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती है हमारी, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है यानी आयत की जो पहला गुण है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी आमने सामने की जो भुजाएं रहेगी वो क्या होगी हमारी, बराबर होगी। जैसे ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है, ये भी किस शेप में है, ये भी हमारे रेक्टेंगल शेप में है जिसमें ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है और साइड वाली जो ये है हमारी वर्टिकल साइड्स ये भी क्या आपस में बराबर है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। यानी ये जो आमने सामने की भुजाएं रहेगी उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहेगी, भले आप कहीं पर भी आप इसको मेजर करें, कहीं पर भी हम इसका मान लें। तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसका, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा यानी आमने सामने की भुजाओं के बीच की दूरी बराबर और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी समांतर। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी भी क्या रहेगी हमेशा किसी भी पॉइंट पर बराबर रहेगी, तो ये एक दूसरे से समांतर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री यानी चारों के चारों कोण इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे और उनका मान कितना होगा 90 डिग्री। सभी कोण समान तथा 90 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमने देखी इसकी साइड्स की और इसके एंगल्स की। जो नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आती है वो इससे रिलेटेड इसके डायगोनल से रिलेटेड होती है और डायगोनल से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं यानी जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण हम किससे गिनते हैं, हमेशा जो अपोजिट वर्टेक्स है यानी सम्मुख जो शीर्ष है उनको मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अब इसमें एक आयत में एक चतुर्भुज में अधिकतम दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं यानी यहां पर हमारा विकर्ण क्या आएंगे, ये दो विकर्ण आएंगे इसमें। ए बी सी डी फोर प्रॉपर्टी डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो एक होता है इंटरसेक्शन और दूसरा होता है हमारा बाइसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब केवल और केवल प्रतिच्छेद करना होता है, मतलब एक दूसरे को काटना होता है। वो किस अनुपात में कहां कैसे काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो केवल क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है।
मतलब जो विकर्ण है या जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी रहेगी उससे कोई मतलब नहीं है, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करनी है, काटनी है, इंटरसेक्ट करनी है, तो वो तो होगा हमारा इंटरसेक्शन। बट अगर वर्ड रहता है हमारा बाइसेक्शन या फिर बाइसेक्शन, इसका मतलब जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या करेगी, एक दूसरे को बराबर दो बराबर भागों में बांटेगी, तो वो होगा हमारा बाइसेक्शन। यानी विकर्ण किसके, रेक्टेंगल के, यानी आयत के जो विकर्ण है वो समान तथा समान परस्पर समद्विभाजक, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजक, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भागों में, तो समद्विभाजक का मतलब हो गया दो बराबर भागों में। ऐसे बाइसेक्ट यानी बाई सेक्शन, बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, और सेक्शन मतलब टुकड़े, खंड, यानी दो टुकड़े हो गए, दो बराबर बराबर परस्पर समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस अकॉर्डिंग आते हैं, मान लो आप हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है एबीसीडी, पहला हमें एंगल पूछ सकता है कोई भी एंगल, मान लो ये एक दूसरे को ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन ए ओ डी कितना है, यानी ये वाला एंगल कितना है हमें फाइंड करना है, और हमें एंगल दिया हुआ ये सी 50 डिग्री, ठीक है। अब जब यहां प्रॉपर्टी क्या हमारी, विकर्ण समान अंतर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी हम क्या करेंगे, और दिया हुआ है कोण ओ सी डी बराबर 50 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, तो आयत या रेक्टेंगल ए बी सी डी, इससे क्या करेंगे, एसी बराबर बीडी बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल। देखो दो विकर्ण बन रहे, कौन से, एक तो एसी और दूसरा बीडी, दो विकर्ण बने और दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये दो इनके आगे होंगे, यानी 1/2 एसी बराबर 1/2 बीडी, ये दोनों के क्या हो गए बराबर, यानी अब ओए और ओसी बराबर है, ओबी और ओडी भी क्या है बराबर है, और 1/2 एसी यानी इस पूरे का आधा कितना हो जाएगा, ओसी हो जाएगा, तो इसे क्या लिख देंगे, ओसी लिख देंगे, और बीडी का आधा 1/2 बीडी, और बीडी का आधा कितना हुआ ओबी, ये दोनों आपस में क्या आ गए बराबर आ गए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना ओबीसी, इसमें देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओबीसी ओबी बराबर ओसी फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण एक से इन दोनों का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, मीन्स इट्स आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर, इसलिए ये वाला कोण कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आइसो स्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज से त्रिभुज। अब इस कोण का मान हमने कितना किया हुआ है 50 डिग्री, तो ये तो हमने लिखा 50 डिग्री, तो ओबीसी भी क्या हो गया
50 डिग्री, यानी ये कोण 50 डिग्री है, तो ये कोण कितना हुआ हमारा 50 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, अतः O प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण O का मान प्लस 50 प्लस 50, कोण C और कोण B का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो कोण O बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 100। तो कोण O पर कोण O कौन सा है BOC, कोण O की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोण BOC बराबर 80 डिग्री। ये 80 डिग्री 80 डिग्री कहां से आएगा 180 माइनस 100, 180 में से 100 को घटाने पर, और यहां पर ये कोण कितना आ गया हमारा 80 डिग्री का आ गया। अब ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री, बिकॉज ये यहां पर जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हुए आपस में बराबर होते हैं। और कौन BOC बराबर कौन AOD, रीजन आ जाएगा इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी सिरसा विमुख कौन, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इनका मान निकाल सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर है और इसका मान पूछा है क्योंकि ए ओ डी बराबर बी ओ सी, और बी ओ सी का मान कितना है 80 डिग्री, तो ए ओ डी का मान कितना आ जाएगा, ये क्या करना था हमें आंसर फाइंड करना था। तो इस तरीके से हमें क्या करना है रेक्टेंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो सकता है कि हमें डायगोनल दे दे इक्वेशन के फॉर्म में और डायगोनल से हमें क्या पूछे डायगोनल की लेंथ पूछ ले, यानी विकर्ण समीकरण के रूप में देख करके क्या कर सकता है विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है। तो ये थे हमारे रेक्टेंगल से रिलेटेड सवाल, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर के साथ में। ये हमारे यहां पर इक्वेशन का एग्जांपल एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, अब देखेंगे हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी। हमने रेक्टेंगल देख लिया, अब स्क्वायर के बारे में लिखना है। एंड स्क्वायर में जैसा हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है हमारा रेक्टेंगल की इमेज बनाते हैं, पहले लिखा होता ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये तो बोले आपस में बराबर, यहां कितना आ जाएगा ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल यानी सभी भुजाएं समान, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसकी भी प्रॉपर्टी रहेगी, सेम प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ऑल एंगल्स आर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी कोण समकोण होते हैं, ठीक है
याद रखने में दिक्कत होती है हमारे डायगोनल्स में। अब इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समान लंबाई के होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री पर, ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना वो 90 डिग्री पर नहीं करते, जबकि स्क्वायर में क्या करेंगे, 90 डिग्री पर करेंगे। डायगोनल्स और इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, विकर्ण समान तथा परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है इससे रेक्टेंगल से। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स क्या है हमारे, परपेंडिकुलर है विकर्ण। एक दूसरे के कह सकते हैं या फिर परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। ये अब प्रॉपर्टी होती है हमारे स्क्वायर की। स्क्वायर की नियम कैसी बनेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए जो डायगोनल्स ये चारों के चारों साइड क्या रहेगी, आपस में बराबर, जो डायगोनल समीकरण होगा। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये रूल्स है, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोनों की दोनों आके प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और स्क्वायर की, यानी आयत और वर्ग की जो गुणधर्म है वो एक साथ आ जाएंगे, याद रखने में आसानी होगी और इन्हीं के आधार पर हमारे सारे सवाल हल होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।